दोस्तों जय मैं था स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और मैं बैठा आज नाना नावड़ हूँ, तो साथ ही साथ मेरे एक मामा भाई आता है और मैं तो नहीं जा रहा बाहर गाँव। तो गाँव में कच्चो लाना भूल गया तो मोल लाना पड़ी, मोल लेके बस जाऊँ बस जाने। तो अब थाने बता लो मैं नाना ने कैडो कर कैडो है कैडो नहीं सब बतावा थाने। तो बढ़िया रहो हमारे ब्लॉग के साथ है, चलो चलते आगे के ब्लॉग में। तो हमने अंडरवेयर ले ली थी, हमें दुकान वाले ने बताया कि इसे कच्चा नहीं अंडरवेयर बोलना चाहिए, अच्छा लगता है। ठीक है, इतना दिन मन ठाक होता, मैं थोड़ा अनपढ़ आदमी है तो ऐसे शब्दों को यूज करना आवे कौन अजय। यही है वो रेगिस्तान के दौरे जहाँ बड़े बड़े टीले होते हैं। और अभी भी यहाँ पर राजस्थान के जो ऊंट गड़े होते हैं वो चलते रहते हैं। हमारे गांव की तरफ आपको देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं, मगर यहाँ पर है अभी भी ऊंट गड़े वगैरह बहुत ज़्यादा चलते हैं। और हम आपको बता देते हैं यहाँ पर राजस्थानी कल्चर अभी भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। हमारे वहाँ तो जैसे शहरों में छोटे मोटे बड़े गाँव में बहुत कम फॉलो करने लग गए गाड़ियाँ वगैरह, मगर इनके ऊपर जो बैठ कर स्वाद आता है चलाने में, आहा क्या स्वाद होता है उसकी, अब बात अलग रहती है। तो हम इन्हें भी कहते हैं थोड़े साइड दे दीजिए अपनी गाड़ी को ऑलरेडी करते हुए। ये खेत है मेरे मामों के, मामो सोरा। और अब मैं जा रही हूँ डाणी, तो बह है डाणे तो नहीं। मैं जा रहे हैं हंगाल दौरे, और हंगाल दौरे में दिखाऊंगा आपको शिव जी को मंदिर है गिर पर जा रहे हैं। आज है सोमवार, मैं तो घोड़ो रहेगा। तो हम यहाँ पर पहुंच गए थे, यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वहां पर जाना है। और यहाँ पर फुल चढ़ाई है, फुल चढ़ाई के साथ हम निकल रहे हैं।
सामने दिखाई दे रहा है वो मंदिर है। घोड़े रे भगत वो जन्म ही होता। ये जो गेट दिख रहा है इसमें बड़ी बार कहानी है, मतलब एक गुफा है, गुफा के अंदर का एक कहानी, वो आपको फिर कभी आप पूछोगे तो बताऊंगा ज़रूर जब फुल टाइम मिलेगा। थैंक्स फॉर माय ब्लॉग और ब्लॉग इतने तो अब आ गया गांव और अगले ब्लॉग में लेकर आ गए बाइक, किसी बाइक बाइक बुक भी करा दी, किसी लगाऊंगा बा ब्लॉग में बता दूंगा, वेट जरूर करिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अगर बाइक लाँ तो ध्यान पड़ जाए, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।